राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। सब आज मैं जा रही हूँ मिर्च करौंदा छोंकने। इसको मैंने गोल गोल शेप में काटा है और करौंदा को इस तरह से दो पार्ट किया है। इसके लिए मैं ले रही हूँ अजवाइन, मेथी, जीरा, इन सबको मैंने बराबर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस ढक्कन में ले लिया है। और सौंफ, ये सौंफ मेरी मौसी जी ने मुझे दी थी, उनके घर की शुद्ध सौंफ है ये, उनके खेत में होती है जो। और हींग भी मैंने ली है इसमें। तो अब मेरा तेल हो चुका है गरम कढ़ाई में, तो मैं इसमें ये सब सामग्री डाल देती हूँ। आपके पास राई है तो आप राई भी डाल सकते हैं। और ये हींग, कढ़ाई में मैंने आज अपने बेटे के लिए टिफिन के लिए पूरी बनाई थी आज, तो थोड़ा तेल बच गया था, तो मैंने सोचा इसमें मिर्च करौंदा छोंक देती हूँ, जो खाने का स्वाद बढ़ जाता है उससे। तो अब हम, और मैंने ये ब्लैक सॉल्ट भी लिया है, तो अब हम इसमें मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर देते हैं, इससे कलर अच्छा आ जाता है। और अब हम ये काला नमक, ब्लैक सॉल्ट भी इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हम सादा नमक भी ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। आप चाहे तो इसे लहसुन और प्याज में भी छौंक सकते हैं, मैंने इसको हींग में छौंका है। लेकिन मिर्च और प्याज को जब एक साथ खाते हैं तो पेट में गर्मी हो जाती है और छाले होने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं करी। आंवले का अचार, ये आंवला देखने में ऐसा लगता है जैसे इसमें गुठली नहीं होती है, और जैसे अपने आंवले आते हैं उनमें गुठली होती है, इसमें गुठली नहीं होती है। ये सिर्फ हमारे नानी के गांव में मैंने पहली बार देखा इस पेड़ को, और ये देखने में देखिए बिल्कुल आम जैसा लगता है, लेकिन इस तरह का होता है। ये टू पार्ट में डिवाइड करके इसका अचार डाला जाता है, बहुत ही टेस्टी अचार है ये आंवले का। ये मेरी मौसी ने मुझे दिया है। ये देखिए, ये है सूखा एकदम बिना गुठली का आम का अचार, बहुत ही टेस्टी होता है, इसकी खुशबू भी अलग ही होती है। ये भी मेरी मौसी जी ने मुझे दिया अचार, और कहते हैं मायके से अचार नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैंने उन्होंने मुझसे इस अचार के बदले सिर्फ 10 रुपीज़ ही लिए और बोले कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद है। तो उन्होंने मुझे ये अचार आम का भी दिया, बहुत टेस्टी अचार, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत इससे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि मेरे लंच बॉक्स में यही वाला अचार मैं अक्सर ले जाया करती थी वेजिटेबल के साथ। आप देख सकते हैं ये राई वाली मिर्ची है, ये अचार भी मेरी मौसी ने मिर्ची का मुझे दिया था, ये भी बहुत टेस्टी है। तो मुझे 2-3 तरह के अचार मेरी मौसी जी ने गिफ्ट में दिए, उन्हें पता है मैं अचार की बहुत शौकीन हूँ। थैंक यू मौसी जी,
अचार, इसके साथ तो दाल चावल रोटी सब्जी सबका जायका बढ़ जाता है। और अगर आपको भी पसंद है इस तरह से मिर्च करौंदा खाने में ऐड कर, सब्जी वेजिटेबल होने के साथ साथ ये खाने का स्वाद दुगना कर देता है, तो आप भी मेरी तरह इसे इंस्टेंट मिर्ची और करौंदा का अचार बना सकते हैं और खा सकते हैं। एंजॉय करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। देख लेते हैं हम हमारे करौंदे, ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से हम चेक कर लेंगे तो हमारी मिर्ची भी हो गई होगी कि बहुत जल्दी हो जाता है मिर्च करौंदा। तो देखिए इंस्टेंट मिर्ची और करौंदे का अचार, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। दाल चावल सब्जी रोटी किसी के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। आप इससे एक दो रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे पराठे के साथ या किसी के साथ। देखिए मिर्ची में हम चेक कर लेते हैं चुकी है ये। तब इस तरह से हमारी मिर्ची कट हो जाए आसानी से, ये देखिए, तो इसका मतलब ये बन चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और राधे राधे शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय।